बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट के चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम है अरसलान मजीद और आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ जो कि है अवेलेबल फॉर सेल, वो है नाजमाबाद 3 नंबर 3F के एरिया में। बेसिकली इसी 3F के एरिया में, इसी बिल्डिंग में मैं अपनी लास्ट वीडियो एक अपलोड कर चुका हूँ जो कि बिल्कुल ये आपके सामने पोर्शन अवेलेबल है। सेकंड फ्लोर पे फ्रंट और ये बैक। तो ये वाली वीडियो में जब मैंने बनाई थी बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाले दोनों पोर्शन भी सेम ही है, लेकिन इसके अलग से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अपनी इस वीडियो पे ये चीज़ मेंशन की थी कि इसी बिल्डिंग में मेरे पास फर्स्ट फ्लोर का बैक, सेकंड के ये दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे जिसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये वाले फ्लैट भी अवेलेबल हैं। ये मेरी वीडियो बनाने के बाद मुझे मालिक मकान ने बताया कि ये दो भी अवेलेबल हैं। थर्ड फ्लोर के ये दोनों पोर्शन हैं, बिल्कुल सेम है, 19-20 भी कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क जो है वो ये है कि नीचे सेफ्टी गेट और किचन ग्रिल सब काम हुआ हुआ है, किसी भी किस्म का कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ऊपर वाले हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली डिटो बिल्डर कंडीशन में हैं, किसी भी किस्म की ग्रिल और सेफ्टी गेट और किचन नहीं बना हुआ है। अदरवाइज फ्लैट पोर्शन पूरा रेडी टू मूव है, लेकिन ये जो बेसिक काम है ये बिल्डर कंडीशन में है, ये आपको करवा के नहीं दिए जाएंगे। हालांकि जो इसके सेकंड फ्लोर के दोनों मेरे पोर्शन हैं अवेलेबल, इसकी मैं वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, जो हजरात देखना चाहें तो मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो अब बात कर लेते हैं ये वाले पोर्शन की, दोनों में रेट फ़र्क हैं वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन पर बता दूँगा। फरफरी में आपको जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूं क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। सेकंड फ्लोर के हवाले से ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने बताई नहीं, 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च की प्लानिंग पे ये बना हुआ है 10-16 गज का 3 साइड कॉर्नर पर, जिसमें 2 अटैच हैं और 1 कॉमन वाशरूम है। बेडरूम इसके 3 ही हैं, लेकिन 1 बेडरूम में इसके वाशरूम नहीं दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये सामने इसके दोनों बेडरूम हैं, एक ड्राइंग रूम है, 1 बेडरूम है, इसका कॉमन वॉशरूम यहाँ दिया गया है और 1 बेडरूम वहाँ पे है अटैच वॉशरूम के साथ, और 1 बेडरूम ये है नॉन अटैच, और यहाँ पे ये वेंटिलेशन डक है। फर्स्ट फ्लोर पे आपने देखी होगी वीडियो कि यहाँ पर किचन बना हुआ है और सेफ्टी गेट ग्रिल और किचन के कैबिनेट वगैरह सब लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड फ्लोर वाले पोर्शन पे ऐसा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट बेडरूम और ये इसका सेकंड बेडरूम और यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम। एक व्यू यहाँ से देख लेते हैं, इसी की सेकंड फ्लोर की वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, जो हजरात बिल्कुल रेडी टू मूव वाले पोर्शन में, यानी कि अगर उनको किचन गेट ग्रिल सेफ्टी गेट इस तरह के काम ना करवाने पड़े तो वो सेकंड फ्लोर पिक कर सकते हैं। और जो हजरात थर्ड फ्लोर पे इंटरेस्टेड हों और बजट बनिस्बत सेकंड और फर्स्ट के कम हों तो वो थर्ड फ्लोर भी देख सकते हैं, ये आपके सामने है। थर्ड फ्लोर बनिस्बत सेकंड के ज़्यादा रोशन है, ये आपके सामने है। ये इसकी गैलरी देखी आपने, 3 साइड कॉर्नर है, तो ये कट गली की तरफ से है। और ये इसका लॉन्च की तरफ से एंटर होते ही बराबर में बिल्कुल इसके ड्राइंग रूम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने सेकंड फ्लोर, अगर इन केस नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं मेरी सेकंड फ्लोर की वीडियो, उसमें किचन गेट सेफ्टी गेट सब कुछ लगा हुआ है। और ये इसका बैक साइड वाला जो कि दोनों में फ़र्क है, वो फ़र्क ये है आप देख सकते हैं सामने इसके कितना बड़ा किचन एरिया दिया गया है, एक रूम के साइज़ का ये पूरा किचन है, जो कि सेकंड फ्लोर पे भी यही फ़र्क है जो मैं बता चुका हूँ आपको अपनी वीडियो में। बस फ़र्क ये है कि सेफ्टी गेट ग्रिल किचन ये सब सेकंड फ्लोर वाले में लगे हुए हैं। ये इसका ड्राइंग रूम है और इसी तरह यहाँ का ये कॉमन वॉशरूम, ये इसका बेडरूम, बैक साइड की वॉशिंग एरिया गैलरी है यहाँ पे सामने, बिल्कुल ये इसकी गेट है,
वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी वॉशिंग एरिया गैलरी है और यहाँ पे इसके अटैच वॉशरूम। और बिल्कुल इसी तरह सामने इसके दोनों बेडरूम हैं, एक नॉन अटैच है और एक अटैच वॉशरूम के साथ है। ये वाला जो है बेडरूम ये अटैच वॉशरूम के साथ है। यहाँ पे विंडो लगना बाकी है, भी लग जाएगी माशाल्लाह। कितना ब्राइट और रोशनी वाला ये पूरा पोर्शन हुआ हुआ है, थ्री साइड कॉर्नर होने की वजह से। और ये इसका बेडरूम नॉन अटैच। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। मैं एक बार सब कुछ रिपीट कर दूं, नाजमाबाद 3 नंबर 3F के एरिए में इसके सेकंड, फर्स्ट और थर्ड फ्लोर के दोनों, सेकंड के दोनों और फर्स्ट का बैक साइड इसी बिल्डिंग में सेम मेरे पास अवेलेबल है। सेकंड फ्लोर अगर किसी ने देखना हो तो उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। थर्ड फ्लोर की मैं ये आपके सामने बना रहा हूँ, ये वाली वीडियो थर्ड फ्लोर की है और फर्स्ट फ्लोर की मैं नहीं बना रहा, क्योंकि बिल्कुल बैक साइड का सेम ही फ्लैट है, कोई 19-20 भी फ़र्क नहीं है। तो सेकंड फ्लोर पे किचन गेट, ग्रिल, सेफ्टी गेट सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन जो थर्ड फ्लोर की जोड़ी है इसमें बिल्डर कंडीशन है। बिल्डर कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, दोनों के रेट में भी फ़र्क है, वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। प्रॉपर्टी अच्छी लगी है तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पे रब्ता करें। नाजमाबाद 3 नंबर 3F के एरिए में ये अवेलेबल है, 3 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च की प्लानिंग पे। अब तक के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो प्रॉपर्टी के हवाले से आप लोग पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।